तमाम रजब फैमिली के लिए यार। रजब भाई ने 59,000 बेच दिया, सेल कर दिया। फैमिली है ना भाई, आपके लिए ना बहुत बुरी न्यूज़ है। वो बुरी न्यूज़ क्या है, हैदर और डॉगर के करीब घर ले रहे हैं, हैदर भाई ठोकर पे घर ले रहे हैं और 59,000 सेल कर दिया है। जी वेलकम टू बैक अनदर व्लॉग। आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यार बहुत बुरी न्यूज़ है, बहुत बुरी न्यूज़। अभी मैं ऑफिस के लिए है एक जगह, जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए, उधर इंटरव्यू दिया। लाइट है बट तो इंटरव्यू देकर वापस आ रहा था, एक बहुत बुरी न्यूज़ मिली है मुझे। वो क्या है, तमाम रज्जब फैमिली के लिए ना यार बहुत बुरी न्यूज़ है, बहुत बुरी न्यूज़ है। वो जान रिमोट की तरह चल गया भाई। ओके ओके, तो मैं ना तसले से बताता हूँ, बैठ के आराम से तकिया भी ले लिया। तो भाई जो रज्जब फैमिली है ना भाई, आपके लिए ना बहुत बुरी न्यूज़ है। वो बुरी न्यूज़ क्या है, तमाम रज्जब फैमिली के लिए यार। रज्जब भाई ने 59,000 बेच दिया, सेल कर दिया। किस वजह से, क्या हुआ ऐसा? रज्जब भाई की तो पसंदीदा गाड़ी थी, मगर उसने सेल किस वजह से की ये मैं आपको बताऊंगा। ये किस वजह से सेल की और रज्जब भाई ने ये अचानक डिसीजन क्यों लिया, क्योंकि रज्जब भाई बाहर गए हुए थे, वहाँ से जब वापस आए उन्होंने पहले ही सेल कर दिया था और हमें नहीं पता था। तो किस वजह से किया, जब मुझे पता चला ना कि यार रज्जब भाई ने 59,000 सेल कर दिया, मैंने कहा यार ये रज्जब भाई ने तो अच्छा नहीं किया, उनकी पसंदीदा गाड़ी थी और हमारी भी पसंदीदा थी, कि रज्जब भाई की जो चीज़ पसंद है वो हमें भी पसंद है। अच्छा तो जो रज्जब भाई ने 59,000 किस लिए सेल किया, रज्जब भाई ले रहे हैं घर किस जगह, वो मैं बताऊँगा क्योंकि मुझे पता है और यूट्यूबर को भी पता होगा मगर मुझे भी पता है। क्योंकि रज्जब भाई के दोस्त डोगर और हैदर दोनों हैं ठोकर के रहने वाले, और रज्जब भाई रहते हैं बेरा ऑचर में फेज 3 में, तो उन्हें ना उधर से इधर आने में बहुत मुश्किल होती है। वैसे मुश्किल इतनी नहीं है, गाड़ी भी आते हैं, थोड़े मामलात होते हैं क्योंकि जिम भी इधर है और दोस्त भी इधर हैं। तो रज्जब भाई अब घर ले रहे हैं ठोकर पे, इसलिए उन्होंने 59,000 सेल कर दिया। हाँ ये है, वो बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, उनके पास पैसों की तो कमी नहीं है क्योंकि टिकटॉक से सबसे अच्छा पैसा कमा रहे हैं वो। अल्हम्दुलिल्लाह हमें यूट्यूबर्स को भी पता है कि पैसा यूट्यूब कितना देता है, टिकटॉक कितना पैसा देती है, ये सबको पता है। तो रज्जब भाई हमें तो बहुत दुख हुआ है जब आपने ना यार 59,000 बेच कर, फिर ये खुशी है आप ठोकर पे घर ले रहे हैं, क्योंकि हम जब जाते थे ना यार बैरिया ऑचर हमें पता चलता था। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा भाई रज्जब भाई हमारे करीब आ रहा है तो हम तो खुश हैं। और थोड़ी सी बैड न्यूज़ थी कि रज्जब भाई ने 59,000 किस लिए सेल किया, क्यों सेल किया, ये तो हमारे तमाम रज्जब फैमिली के लिए सैड न्यूज़ है यार। एक कि यार ये क्या हो गया, ये मेरे जो व्लॉग देख रहे हैं ना रज्जब फैमिली, ये व्लॉग आपने अपने पास सेव कर लेना है और जाकर रज्जब भाई से पूछना है कि ऐसा हुआ है, ऐसे ही हुआ है, रज्जब भाई इस टाइम ठोकर पे घर ले रहे हैं। तो अच्छी बात है यार, वो उनकी अपनी मर्ज़ी है, उनकी गाड़ी है सेल कर सकते हैं, मगर बहुत प्यारी गाड़ी थी यार 59,000। तो रज्जब भाई ठोकर पे घर ले रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि 3 से 4 दिन बाद रज्जब भाई वहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे इधर ठोकर पे। ये मेन मुझे लोकेशन का पता भी नहीं है कि वो किस जगह घर ले रहे हैं, ले ठोकर पे रहे हैं, हैदर के घर के साथ ले रहे हैं या उसके डोगर के घर के साथ ले, वहीं रहे हैं हैदर और डोगर के करीब घर ले रहे हैं, हैदर भाई ठोकर पे घर ले रहे हैं और 59,000 सेल कर दिया है। तो रज्जब फैमिली इस व्लॉग को ऊपर ले जाओ, आदिल टीवी व्लॉग 1 यार। ये यूट्यूबर को पता है कि हम कितनी मेहनत करते हैं व्लॉगिंग की, हम एक व्लॉग को बनाते हैं फिर उसको एडिट करते हैं, उसको फिर कोई छोटी मिस्टेक को फिर ख़त्म करके फिर हम वीडियो अपलोड करते हैं, यार बहुत मुश्किल होती है व्लॉग बनाना।
आप लोग तो सिर्फ एक व्यूज स्किप कर दिया ना, और आपके एक व्यूज से ना किसी की ज़िंदगी तब्दील हो सकती है। किसी आप जब मेरी वीडियो पूरी देखोगे ना तो मैं भी खुश होऊंगा, आप भी खुश होगे। तो ऐसे जैसे पहले सपोर्ट कर रहे हैं ऐसे हमेशा सपोर्ट करते रहें। आपका भाई आपके साथ है। हाँ ये आ रहा होगा क्या दिल भाई, आप लगातार अपने व्लॉग अपने घर के बना रहे हैं। तो मेरे भाई मैंने पहले भी कहा था मेरे पास बाइक का मसला है, तो इंशाल्लाह मेरी कल बाइक ठीक हो जाएगी। तो फिर हम जाएंगे रजा भाई के पास, पूरी डिटेल लेंगे। ये जब अब मुझे पता चली है ना कि यार रजा भाई ने उन्हें यार सेल कर दिया, तो बहुत परेशानी हुई यार। मैं तो ऑफिस में मेरा इंटरव्यू सही नहीं हो रहा था, मैं तो वहीं परेशान हो गई कि ये क्या हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह जब दूसरी खुशी मिली कि रजा भाई ठोकर पे घर ले रहे हैं, तो फिर मैंने कहा अच्छा उनकी अपनी गाड़ी है, हमारी तो नहीं थी। अगर हम सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान के अच्छे यूट्यूबर हैं जो दूसरों की मदद भी करते हैं जो रजब के ख़िलाफ़ है ना, तो मैं उनसे कहूँगा यार हर एक अच्छे इंसान के पीछे ना बुराई भी होती है अच्छाई भी होती है। मतलब कि हम खुद को देखें हम कितने अच्छे हैं, दूसरों पे बात करने से पहले ना हम खुद को देखते हैं। मगर हम खुद को नहीं देखते, दूसरे पे बात कर देते हैं यार ये फलां ऐसा है फलां ऐसा है। नहीं, मुझे रजब भाई अच्छे लगे हैं, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, वो मेरे सर हैं। क्योंकि उन्होंने मुझे, वो कहते हैं ना कि आपको वही एक चीज़ समझा देना वो आपका सर ही है, तो मैं रजब भाई की इज़्ज़त करता हूँ, वो मेरे सर हैं, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। तो रजब फैमिली मिलते हैं अगले व्लॉग में।